नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। साल भर से अधिक समय से चल रहे रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच अब रूस ने यूक्रेन पर क्रेमलिन में आतंकियों की तरह हमला करने का आरोप लगाया है। रूसी सरकार की ओर से कहा गया है कि यूक्रेन ने क्रेमलिन पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, उसकी यह हरकत आतंकवादियों जैसी है और रूस इसका कड़ा जवाब देगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन द्वारा लॉन्च किए गए 2 ड्रोन को मार गिराया गया है। रूसी सरकार की ओर से कीव पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है। रूस ने बुधवार को यूक्रेन पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मारने के असफल प्रयास में क्रेमलिन पर रात भर ड्रोन से हमला करने का आरोप लगाया। क्रेमलिन ने कहा कि पुतिन के आवास पर कथित हमले में 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इनको सुरक्षा द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी राज्य कर्नाटक पर प्रचार कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने बुधवार को कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के अंकोला में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधते हुए गाली की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल गाली राजनीति जानता है, वे हमें हरा नहीं सकते हैं, इसलिए वो हमें गाली देते हैं। कर्नाटक के लोग गाली की राजनीति को खारिज करते हैं। सभी मतदाता मुझे गाली देने के लिए कांग्रेस को सबक सिखाएं, क्योंकि मैं वो हूं जिसने वर्षों से कांग्रेस द्वारा पोषित भ्रष्ट व्यवस्था को कुचला है। कर्नाटक में मतदान होने में चंद दिन बचे हैं और सभी राजनीतिक दलों का प्रचार चरम पर है। ऐसे में लोकनीति सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज की मदद से NDTV का सर्वे काफी चौंकाने वाला है। वहां की जनता के मुद्दे कुछ और हैं और राजनीतिक दल अपनी मंजिल किन्हीं और मुद्दों के आधार पर तलाश रहे हैं। इस सर्वे के मुताबिक कर्नाटक में वोटरों के लिए बेरोजगारी और गरीबी सबसे बड़ा मुद्दा है। लोकनीति NDTV CSDS के सर्वे में शामिल 28% लोगों का मानना है कि इस चुनाव में बेरोजगारी कर्नाटक का सबसे बड़ा मुद्दा है। 25% लोगों ने गरीबी को दूसरे नंबर पर रखा है। राज्य के युवा वोटरों के लिए बेरोजगारी बड़ी समस्या है, वहीं ग्रामीण कर्नाटक में गरीबी बड़ा मुद्दा है। सर्वे के दौरान कम से कम 67% लोगों ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में उनके इलाकों में कीमतें बढ़ी हैं, महंगाई चरम पर है और उनकी रोजमर्रा का जीवन काफी कष्ट देने वाला है। CSDS सर्वे के अनुसार कर्नाटक में भ्रष्टाचार आज भी सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। सर्वे में आधे से अधिक करीब 51% मानते हैं कि भ्रष्टाचार बड़ा है, जबकि 35% का मानना है कि ये वैसा ही बना हुआ है। कई भाजपा समर्थकों यानी कि 41% ने कहा कि 2019 के पिछले आम चुनावों के बाद भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हुई है। लोकनीति NDTV CSDS के सर्वे में लिंगायतों और वोक्कलिगाओं के लिए कोटा बढ़ाने, मुसलमानों का 4% OBC कोटा खत्म करने और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कोटा बढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले को रेट करने के लिए कहा गया था। सर्वे से पता चला कि सिर्फ 1/3 नए आरक्षण के फैसलों के बारे में जानते थे। नई कोटा नीति के समर्थक ज्यादातर वे हैं जो भाजपा के पक्ष में हैं, जबकि जो लोग इसका विरोध करते हैं वो सर्वेक्षण के अनुसार कांग्रेस समर्थक हैं। सर्वे के दौरान टीपू सुल्तान की मौत से जुड़े विवाद पर सवाल पूछे गए। इसमें पाया गया कि 3 में से 1 शख्स इस बारे में जानता है और 74% का मानना है कि इस विवाद को उठाने से सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया है। कर्नाटक में BJP से कांग्रेस में आने वाले वरिष्ठ नेता जगदीप शेट्टार ने कहा है कि BJP ने मुझे टिकट से मना करके न केवल मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई, बल्कि उन लोगों का भी अपमान किया है जिन लोगों ने मुझे लगातार 6 बार चुना है। इसलिए मैंने BJP छोड़ने का फैसला किया। ये लड़ाई मेरे स्वाभिमान के लिए है। उनके छोड़ने से BJP को क्या नुकसान पहुंचेगा, इस पर उन्होंने कहा कि मेरा BJP छोड़ने का फैसला बिल्कुल पार्टी को प्रभावित करेगा। कम से कम 20 से 22 सीटों पर पक्का प्रभाव पड़ेगा। द हिंदू से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा अनुसरण पहले से ही लिंगायत नेता कर रहे हैं और वो BJP से कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के द्वारा कर्नाटक में सरकार बनने पर बजरंग दल PFI जैसे संगठनों को बैन करने के वादे पर PM मोदी बजरंगबली को लॉक करना बता रहे हैं। यही सवाल जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछा गया तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोदी जी फेंकने में बहुत माहिर हैं, जो चीज़ पाकिस्तान में हुई है उसे बिहार का बता देते हैं, जनसंख्या जितनी नहीं है उतना बता देते हैं। बैन बजरंग दल पर लगाने की बात हुई है, बजरंग बली पर नहीं। बजरंग बली हमारे आराध्य हैं, उनके नाम पर कोई गुंडागर्दी करे ये उचित नहीं। भूपेश बघेल ने कहा, राम को ताला लगा दिया। अरे अयोध्या के मंदिर में ताला खुलवाने का काम तो राजीव गांधी ने किया था, वो प्रधानमंत्री के रूप में कितना झूठ बोलेंगे। अब तो इतना झूठ बोलते हैं कि लोग उनकी बात गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि अडानी पर हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई, प्रधानमंत्री उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, कर्नाटक के विकास के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। कर्नाटक में करप्शन के आरोप
नए नहीं हैं, लेकिन राज्य में चुनाव के मौसम में जिस तरह केंद्रीय एजेंसियां छापे मारकर पैसे बरामद कर रही हैं वो कम महत्वपूर्ण नहीं है। राज्य में चुनाव की घोषणा होने के बाद एक ऑटो रिक्शा में 1 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन आयकर विभाग ने अब एक कांग्रेस नेता के घर से 1 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। ये पैसे पेड़ पर रखे गए थे। कर्नाटक के मैसूर में सुब्रमण्यम राय के घर से केंद्रीय एजेंसी आयकर विभाग ने 1 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। राय कांग्रेस के पुत्तूर विधानसभा उम्मीदवार अशोक कुमार राय के भाई हैं। अधिकारियों ने बुधवार को एक आम के पेड़ पर रखे बॉक्स में छिपा कर रखे गए कैश को जब्त कर लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मोदी सरनेम मामले में मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने जहां सुनवाई टाल दी है, तो अब रांची की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। राहुल गांधी की ओर से दाखिल याचिका में व्यक्तिगत रूप से पेशी में छूट की मांग की गई थी, यानी अब जब भी सुनवाई होगी राहुल गांधी को कोर्ट में खुद पेश होना पड़ेगा। बता दें कि रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में प्रदीप मोदी नाम के व्यक्ति ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। राहुल गांधी की मोदी सरनेम टिप्पणी को लेकर उन्होंने केस दाखिल किया हुआ है, जिस पर सुनवाई चल रही है। राहुल गांधी की ओर से प्रदीप चंद्रा वकील हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा आज बुधवार दोपहर को अचानक जंतर मंतर पर महिला पहलवानों से मिलने पहुंच गईं। अचानक हुए इस घटनाक्रम से मीडिया समेत सभी लोग हैरान हैं, क्योंकि अभी कल तक पीटी उषा महिला पहलवानों के इस आंदोलन के खिलाफ बयान दे रही थी। उनका कहना था कि इससे देश की छवि खराब हो रही है और कहा था कि पहलवानों के प्रदर्शन करने से पहले समिति के निर्णय का इंतजार करना चाहिए था। पीटी उषा के जंतर मंतर पहुंचने से ठीक पहले महिला पहलवानों विनेश फोगाट, साक्षी मलिक के अलावा बजरंग पूनिया की कल मंगलवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जरा याद करें। तीनों पहलवानों ने कल मीडिया के सामने कहा था कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दरअसल इस मामले को दबा रहे हैं। उन लोगों ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के कहने पर ही पिछली बार एक दिन का धरना अचानक खत्म कर दिया था। अनुराग ठाकुर ने उन लोगों को कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बाहुबली भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया था। यहां तक कि महिला पहलवानों ने पीएम मोदी को भी इसकी जानकारी दी थी, लेकिन हुआ क्या, ब्रजभूषण सिंह पर ना तो बीजेपी ने कार्रवाई की और ना दिल्ली पुलिस ने। बता दें, सुप्रीम कोर्ट से डरकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज तो कर ली है, लेकिन ना तो अभी तक गिरफ्तारी की है और ना ही आरोपी सांसद से पूछताछ हुई है। विनेश फोगाट ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि 2021 टोक्यो ओलंपिक के बाद उन्होंने भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़ी शिकायतों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी से किया था। हालांकि विनेश के मुताबिक उन्होंने इस बातचीत में कथित यौन शोषण की बात नहीं की थी। विनेश का दावा था कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद उन्होंने खेल मंत्री को और थोड़ा खुलकर बातें बताईं, लेकिन बात ब्रजभूषण शरण सिंह तक पहुंच गई। जंतर मंतर पर बैठी महिला पहलवानों ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पर मामले को दबाने और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। संयोग से ब्रजभूषण भाजपा सांसद भी हैं। पहलवानों ने बताया कि आंदोलन शुरू करने से पहले और बाद उन्होंने कई सरकारी अधिकारियों से मिलकर महिला पहलवानों के साथ हो रहे यौन उत्पीड़न की शिकायत की, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक विनेश फोगाट ने कहा, हमने जनवरी में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से बात करने के बाद अपना विरोध समाप्त कर दिया था। उस समय सभी एथलीटों ने उन्हें यौन उत्पीड़न के बारे में बताया था। एक समिति बनाकर उन्होंने वहां मामले को दबाने की कोशिश की। उस समय कोई कार्रवाई नहीं की गई। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी की चार्जशीट में अपना नाम जोड़े जाने का कड़ा विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि ऐसा गलती से हुआ था। उन्होंने कहा कि ईडी ने पत्र भेजकर उनसे खेद जताया और चूक मानी। उनका कहना है कि उन्हें ईडी की चिट्ठी मिली है, ईडी ने उन्हें चिट्ठी लिखकर खेद जताया और कहा कि चार्जशीट में उनका नाम गलती से आया है। वहीं इस मामले को लेकर आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम पर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि क्या किसी का नाम चार्जशीट में गलती से भी डाला जाता है? इससे साफ है कि पूरा केस फर्जी है। केवल गंदी राजनीति के तहत देश की सबसे ईमानदार पार्टी को बदनाम करने और सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री जी ऐसा कर रहे हैं, उन्हें ये शोभा नहीं देता। भाजपा से कथित तौर पर जुड़े रहे महाठक संजय राय शेरपुरिया के खिलाफ अब ईडी ने भी जांच शुरू कर दी है। शेरपुरिया को अब आगे की पूछताछ के लिए फिर से यूपी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। शेरपुरिया को दरअसल यूपी एसटीएफ ने ही पकड़ा था। इधर देखने में आ रहा है कि कुछ लोग खुद को पीएमओ और गुजरात सीएमओ से जुड़ा बताकर ठगी करते हुए पकड़े जा रहे हैं। शेरपुरिया खुद को पीएमओ से जुड़ा बताता था, यहाँ तक कि उसने जम्मू कश्मीर के एलजी को 25 लाख का कथित तौर पर लोन भी दे रखा है।
इस संबंध में ईडी ने बीती रात संजय राय के 4 ठिकानों दिल्ली, बनारस, लखनऊ और गाजीपुर में छापेमारी की। इस दौरान ईडी की टीम ने घंटों शेरपुरिया के ठिकानों पर छानबीन करती रही। ईडी द्वारा की गई इस छापेमारी में शेरपुरिया की कंपनियों तथा उसके एनजीओ यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए। व्यापक रूप से आर्टिफिशियल एजेंसी के गॉडफादर कहे जाने वाले एक व्यक्ति ने इस क्षेत्र में बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी देते हुए अपनी गूगल नौकरी छोड़ दी है। वह नई टेक्नोलॉजी के खतरों के खिलाफ आगाह करने के लिए गूगल से अलग हुए हैं। एआई सिस्टम के लिए टेक्नोलॉजी की नई नींव रखने वाले मशहूर साइंटिस्ट जेफरी हिंटन ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि इस सेक्टर में की गई प्रगति ने समाज और मानवता के लिए गहरा जोखिम पैदा किया है। सोमवार को पब्लिश आर्टिकल में उनके हवाले से कहा गया, देखिए 5 साल पहले ये टेक्नोलॉजी कैसा था और अब कैसा हो गया है, इसमें आए अंतर को देखिए, ये डरावना है। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक बयान में गूगल से अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा कि उन्हें अब अपने काम पर पछतावा है। बता दें, डॉक्टर हिंटन की डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क पर रिसर्च ने ही आज के पॉपुलर एआई सिस्टम की नींव रखी है। चैट जीपीटी जैसे पॉपुलर एआई बॉट्स तक का रिश्ता हिंटन ने खोजा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि चैट बॉट्स जल्दी ही इंसानी दिमाग की जानकारी से स्तर को पार कर लेंगे। हिंटन ने कहा कि आप कल्पना कीजिए कि किसी रोज कोई बुरा शख्स रोबोट्स को अपने गोल्स क्रिएट करने की क्षमता दे देता है। हिंटन ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि वैज्ञानिकों को इसे तब तक और अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए जब तक कि वे समझ नहीं जाते कि क्या वे इसे नियंत्रित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी और पत्नी हसीन जहां के खिलाफ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब उनकी पत्नी हसीन जहां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उनके खिलाफ दहेज मांगने और विवाहेतर संबंध रखने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने याचिका में कहा है कि मोहम्मद शमी के खिलाफ दायर आपराधिक मामला 4 साल से लंबित पड़ा हुआ है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मोहम्मद शमी ने भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के साथ दौरों पर सेक्स वर्कर्स के साथ संबंध बनाए। बता दें, मोहम्मद शमी इन सभी आरोपों को खारिज करते रहे हैं। मालूम हो कि हसीन जहां ने कलकत्ता हाईकोर्ट के 28 मार्च 2023 के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने हसीन जहां और मोहम्मद शमी के बीच विवाद पर स्थानीय सत्र अदालत के फैसले को खारिज करने से इनकार कर दिया था। सत्र अदालत ने मोहम्मद शमी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी थी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।